हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज हम एक कफ्तान कुर्ती बनाना सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो उसके लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है, ठीक है। ये टोटल 3 मीटर फैब्रिक है जिसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। फोल्डेड साइड जो है वो हमारी तरफ है, इसी तरह से हम रखेंगे फैब्रिक को। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लाइनिंग वाला फैब्रिक नहीं लगाने वाले हैं, तो इसी के ऊपर कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों होगी। तो इसकी रेडी लेंथ हमने लिए यहाँ पर 34 इंच, बट ये हाई लो टाइप का होने वाला है। तो ऊपर ये फ्रंट से हाई होगा एंड साइड से लो होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये बनने वाला है। सबसे पहले हम हमारी बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर का हाफ यानी कि 7 इंच, यहाँ से नीचे की तरफ लेंगे आर्मोल का हाफ यानी कि वो भी 7 इंच। आर्मोल एंड शोल्डर हमारा 14 है तो उसका हाफ हमने ले लिया। यहाँ पर हम चेस्ट का 1/4 लेंगे यानी कि 8.5 इंच एंड प्लस लेंगे 2 इंच का मार्जिन। यहाँ पर मार्जिन ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट वैसे भी हमने यहाँ पर कर दिया है। यहाँ से नीचे 14 इंच पर निशान लगेगा जहाँ पर हमारी कमर का राउंड आएगा। तो कमर हमारी 30 है, उसका 1/4 हो गया 7.5 इंच एंड प्लस 2 इंच का मार्जिन। तो इस तरह से हमने ये लाइन लगा दी। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हमारी हिप लेंथ होगी 19 इंचेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 19 इंचेस पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद हिप का 1/4, हिप हमारी 36 है तो उसका 1/4 लिया हमने 9 इंच एंड प्लस यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन। तो इस तरह से ये 3 लाइन बन गई। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ हम इसी तरह से क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेंथ मेजर करेंगे। हमारी फ्रंट की लेंथ जो होगी वो हम रखेंगे यहाँ पर 29 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ से हमने 29 इंचेस पर इस तरह से चौक लगा दिया। एंड यहाँ से लेके हल्का सा ऐसे शेप देते हुए हम क्या करेंगे, उस वाले कॉर्नर तक इस तरह से शेप को लेके जाएंगे। यानी कि ये बनेगा तब ये हाई एंड लो वाला साइड से बन जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल्का सा इस तरह से एयर लाइन में इसको स्ट्रेट दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक विड्थ लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, आर्मोल ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है बट मैंने कर दिया है। यहाँ से हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच, ठीक है। और यहाँ से नेक की लेंथ मैं ले रही हूँ 6 इंच। अब अपने अकॉर्डिंगली लेंथ यहाँ पर कम या ज़्यादा ले सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ से भी 2.5 इंच पर एक और निशान लगाऊंगी एंड इस तरह से एक स्क्वायर बना दूंगी एंड इसके अंदर मैं राउंड शेप दे दूंगी। तो ये मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए सेम रहेगा इसी तरह से। अब हम क्या करेंगे, नेक कट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें कुछ भी कट नहीं करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक कट कर लेते हैं और यहाँ से ये वाला शेप कट कर देते हैं। उसके बाद हमें कुछ भी यहाँ पर कट नहीं करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने नेक कट कर लिया एंड ये वाला शेप जो नीचे का है ये भी कट कर लिया। अब हम करेंगे सिलाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो नेक को हम एक पार्ट में क्या करेंगे, इस तरह से हमने नेक की पट्टी निकाली है, इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे एंड 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसको पीछे की तरफ पलट देंगे, उसमें बाद में हम तुरपाई या फिर हेमिंग जो भी होता है वो कर देंगे। तो इसी तरह से दोनों पार्ट आपको सबसे पहले तो नेक की फिनिशिंग यहाँ पर कर देनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेक की फिनिशिंग कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर नेक की फिनिशिंग कर दी है, ये एक पार्ट है एंड इसी तरह से ये वाला हमारा दूसरा पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड सही साइड एक तरफ रखते हुए यहाँ से हम शोल्डर जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे एंड यहाँ से थोड़ा सा मेजर करेंगे, एक मिनिमम 10 इंचेस तक, ठीक है। आपको जितना चाहिए उतना आप कट रख सकते हो। तो यहाँ से मैं 10 इंचेस पर यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी, मतलब आपको दिखाऊंगी कि 10 इंचेस, ठीक है। यहाँ तक हमें क्या करना है, एक लंबी सिलाई लगा देनी है एंड ये दो इस तरह से खुले हुए पार्ट्स होने चाहिए। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी क्या करना है, आपको इस तरह से एक 10 इंचेस पर निशान लगा देना है एंड वहाँ तक ही सिलाई लगा देनी है। देन ये दोनों ऐसे ओपन रखेंगे। इन दोनों पार्ट्स को आपको क्या करना है, इस तरह से डबल फोल्ड करना है अंदर की तरफ एंड सिलाई लगा देनी है ताकि इसका भी फिनिशिंग जो है वो हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा दी एंड ये दो भी इस तरह से हमारे स्लीट रह गए स्लीव्स के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड वाला पोर्शन है यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से अंदर की तरफ एंड लंबी सिलाई लगा देंगे, इसको भी इस तरह से करेंगे दोनों साइड में। फिर इस साइड के दोनों साइड में भी एक लंबी सिलाई लगा देंगे अंदर डबल फोल्ड करके। इसी तरह से पूरे राउंड में भी आपको क्या करना है, नीचे वाला ये जो राउंड है कटवर्क वाला हमारा, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे एंड सिलाई लगा देंगे चारों साइड इसके, ठीक है, फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स में। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी फिनिशिंग कर दी है, दोनों साइड डबल फोल्ड कर दिया, नीचे की तरफ भी इसकी फिनिशिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसकी फाइनल फिटिंग करेंगे।
तो जैसे हमने यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, हमने ऑलरेडी चौक के निशान लगाए थे, उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ यहाँ पर। और हिप के थोड़ा सा एक चार पॉइंट नीचे हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर प्लस वाला आइकन बनाया यहाँ तक, इसको मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा डार्क बना देती हूँ, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पलटने के बाद ये वाला निशान जो है वो इस साइड छप जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैं कर रही हूँ इसको, देन ये क्या होगा कि इस साइड का निशान बराबर से इसी साइड हो जाएगा। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर जहाँ तक हमने नीचे यहाँ पर प्लस वाला ये जो आइकन बनाया है यहाँ नीचे की तरफ, वहाँ तक हम क्या करेंगे एक लंबी सिलाई लगा देंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये इस साइड हो गया, एंड दूसरी साइड हम क्या करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे, देन ये फिटिंग हो जाएगा एंड ये रेडी भी हो जाएगा। Get the.